केएल फास्ट न्यूज की सारी वीडियोस होंगी आपकी एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जिलावर में इन दिनों चोर गिरोह द्वारा धार्मिक डेरों व गुरुद्वारों को निशाना बनाया जा रहा है। रोड़ी थाना के गांव फग्गू व ओडा थाना के गांव राजपुरा के गुरुद्वारों में अज्ञात चोरों द्वारा की गई चोरी की वारदातें अभी सुलझ नहीं पाई थी कि चोर गिरोह ने एक रात में ही एक गुरुद्वारा व डेरे में सेधमारी करते हुए लाखों रुपये पर हादसा किया। चोरी की इस वारदात की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बीती रात गांव मल्लेवाड़ा में स्थित डेरा बाबा भूमनशाह में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी करते हुए 4 गोलक चोरी कर लिए। चोरी की घटना की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। रात में जो भी अपने 4 गल्ले सी 4 मंदिर दे डेरे दे विच ओ रात में कोई रात्रि 1 बजे के करीब लगभग मान लो आके कोई मतलब चोर चोरी करके ले गए। ये सुबह जी जब बाबा जी पाठ पूजा के लिए 4 बजे उठते हैं तो देखा था कि अपने जो डेरे के बीच गले मौजूद थे हाँ थाली कंप्लीट कर। चोर रात्रि के अंधेरे में डेरा में घुसे और 3 समाधियों व एक दरबार साहब में रखे गोलक को उठा कर ले उड़े। करीब 1 घंटे में की गई चोरी के बाद चोर गाड़ी पर गोलक लेकर फरार हो गए। डेरा के सेवादारों ने बताया कि गोलक में करीब 80 से 90 हज़ार रुपए की राशि थी। करीब हुई है जी तो सवेरे बाबा जी 4 बजे के लगभग गए से उत्थे आरती वगैरह करने वास्ते तो उन्होंने देखा उत्थे जाके भी गोलक एक भी नहीं पई है। फिर दूसरी समाधि ते गए उत्थे भी नहीं, तीसरी ते गए उत्थे भी नहीं और चौथा गुरुघर से उत्थे भी नहीं सी जी। तो फिर बाबा जी ने फोन करया उत्थों दे सरपंच दर्शन सिंह मन उन्होंने वल फोन करया। फिर दर्शन सिंह आए उन्होंने नाल वालियां पंचायतां सानू बुलाया नेजा डेला तो सारनी तो होर आस पड़ोस पिंडां दे आए तो असीं सारयां ने जाके फिर देखा उत्थे मौका चारों दी चारों गोलक चुकियां जा चुकियां ने लगभग बाबा जी कह रहे ने 90-95 हज़ार के करीब सी। असी हुण थाणा च पहुंचे जी बड़ा गुड़ा थाणा जी मल्लेवाला सरपंच नेजा डेला तो असी उत्थे जाके SHO साहब अगे यही करिए अपील साडा पैसा दवाया जाए और सानू इंसाफ दवाया जाए। चोरी के बाद खाली गोलक गांव बुरजबंगू के पास मिले। इस मामले की सूचना पाकर बड़ागुड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी तरह गांव बंगू में भी गुरुद्वारा में अज्ञात चोरों ने घुसकर गोलक पर हाथ साफ किया। गांव के सरपंच उत्तम सिंह ने बताया कि सुबह गुरुद्वारा के मुख्य सेवादार बाबा गुरलाल सिंह जब नितनेम पाठ करने दरबार साहब में पहुंचे तो वहां रखा गोलक गायब था। गुरुद्वारा का खाली गोलक पंजवाणा रोड पर मिला। दोनों ही घटनाओं में बड़ागुड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ जी मैं सरपंच उत्तम सिंह पिंड भंगू साढ़े गुरु घर चोरी हो गई है रात गोलक की। जो सवेरे बाबा जी ने सानू दस्या तो वह कहन लगे जी अणपछाते कोई बंदे से हजे उन्हों का कोई पता नहीं लग सकया। वो पिंड भंगू तो 1 किलोमीटर दूर गोलक सुट गए तो सानू जो पता लग्या तो असी गोलक तो चक के गुरु घर रख दिता है पर वो सारी राशि जी वे क्ड के लै गए हैं। किन्नी राशि राशि वो जी बाबा जी के कहने के मुताबिक लगभग 8-10 हज़ार रुपया वो राशि सी। 12-15 दिन पहला गोलक खोलिया गया सी। पुलिस नूं कंप्लेंट ते पुलिस नूं असी कंप्लेंट कर दित्ती गई है तो बड़े गड़े पहुँच के सानू पता लग्या भी होर भी 2-3 पिंडां च मल्लेवाला ते फग्गू कई जगह ते चोरी हुई है। ते पुलिस नूं असी कंप्लेंट करके पूरी ये मंग करते हैं कि जिहड़ा नेड़े तेड़े बहुत चोरियां हो रही हैं ते पुलिस इस दी पूरी जानकारी करके होर फड़न ते अगे तो अमन चैन रहे। मालूम हो कि बीती 1 जुलाई को भी अज्ञात चोर गांव फग्गू के गुरुद्वारा का गोलक तोड़कर करीब 45 हज़ार रुपये की राशि ले उड़े थे। इसी तरह नेजा डेला कलां के 2 गुरुद्वारों में भी चोरी की घटनाएं हुई। वहीं ओडा थाना के गांव राजपुरा सहित पंजाब के भी कई गुरुद्वारों में चोरी की घटनाएं घट चुकी हैं। कालांवाली से रेशम सिद्धू की ब्यूरो रिपोर्ट KL फास्ट न्यूज़। दोस्तों KL फास्ट न्यूज़ की सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।